आज हम कुंडली के घरों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा घर हमें क्या चीज बताता है, कौन सा घर नेगेटिव है, कौन सा घर पॉजिटिव है, ताकि हमारे मन से ये मिथ हट जाए कि हाय हमारा ये ग्रह खराब है, हमारा ये ग्रह खराब है। ग्रह कभी कोई खराब नहीं होता, ग्रह कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। उसकी कुंडली में कौन से घर में क्या प्लेसमेंट है, उस वजह से, उस हिसाब से वो अपना असर जो है हमें देता है। अब देखें, इसको बोलते हैं घर नंबर। ये एक, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सबकी कुंडली में यही 12 घर होते हैं। इन्हीं 12 घरों के अंदर हमारे जीवन का रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। देखें, पहला घर, पहले घर में जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो है मार्स, मंगल और सन। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद कौन पॉजिटिव हो गए, इनके दोस्त। दोस्त कौन है, चंद्र है, बुध है, चंद्र है, बुध सूर्य के साथ पॉजिटिव रहेगा, बृहस्पति है और ये आपके पॉजिटिव रहेंगे। अब नेगेटिव यहां पे कौन रोल प्ले करेगा सबसे ज्यादा, वो है शनि। यहां पे अगर किसी की कुंडली में शनि है तो उसको जीवन में कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट जो है वो शनि देंगे, और कोई प्लैनेट इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अगर हम दूसरे घर की बात करते हैं, सेकंड हाउस की बात करते हैं, तो इसे धर्म स्थान कहा जाता है। धर्म स्थान मीन्स ये हमारा पूजा स्थल है, ये कुंडली का पूजा स्थल है, ये खाना नंबर 2 है। यहां पे कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं होता है। 2 में कभी किसी ग्रह ने बुरा फल जो है वो नहीं देना है। अगर हम खाना नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 पे 2 का प्लैनेट्स का सबसे ज्यादा अधिकार है, एक मंगल का और एक बुध का। और राहु जो है, जिससे हम डरते हैं, वो यहाँ पे पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 3 में अगर राहु है तो वो जीवन में पॉजिटिव रोल ही प्ले करेंगे। चौथा घर, चौथे घर में सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो चंद्र का है। ये माँ का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, और चंद्र के बाद जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो है बृहस्पति। जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो नीच का रोल कौन प्ले करता है, नेगेटिव जो रहते हैं वो मंगल है। तो देखो, मंगल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ग्रह वही है, सिर्फ कौन से घर में चला गया उस हिसाब से वो हमारे जीवन में जो रोल है वो प्ले कर जाता है। अब अगर हम पांचवें घर में चले जाते हैं तो पांचवें घर के अंदर जो हमारे अधिकार है वो है सूर्य का और बृहस्पति का। ये हमारे बृहस्पति का स्थान है। तो बृहस्पति के 2 स्थान हो गए, एक खाना नंबर 2 और एक खाना नंबर 5, जो कि अभी तक हमने देखे हैं। दिक्कत शुरू होती है खाना नंबर 6 से। खाना नंबर 6 जो है वो बीमारी का घर है, तकलीफ का घर है। हमें अगर कोई बीमारी आएगी तो वो खाना नंबर 6 से शुरू होगी। खाना नंबर 6 जो है वो पाताल है, यहां से बीमारी शुरू होगी। अगर जन्म कुंडली में ही यहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर हम कहें कि यहां पे शुक्र है, तो शुक्र क्या है, हमारी बॉडी की स्किन है। हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि यहां पे शुक्र है। शुक्र जो है वो हमारी स्किन है। स्किन, ये चमड़ी, ये शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, ये पाताल में है। तो अगर यहाँ पे शुक्र होगा तो हमें क्या होगा, स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रैशेज हो गए, दाने निकल गए, कुछ और एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी, वो यहाँ पे हमें शुक्र दे के जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें जो जो प्लैनेट होगा वो अपना अपना रोल प्ले करके हमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करेगा। ये घर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ आके कहानी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम में ले जाती है। अब हम आते हैं खाना नंबर 7 में। खाना नंबर 7 जो है
वो हमारा ग्रस्त जीवन है, फैमिली है। हमारे ग्रस्त जीवन में हमें कितना सुख प्राप्त होगा वो खाना नंबर 7 बताएगा। यहाँ पे 2 ग्रहों के अधिकार है, एक शुक्र का है, दूसरा बुध का है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे होते हैं शनि, और नेगेटिव यहाँ पे होते हैं सूर्य। देखिए, ये सूर्य यहाँ पॉजिटिव थे, यहाँ नेगेटिव, शनि यहाँ नेगेटिव थे, यहाँ पॉजिटिव। तो घरों का खेल है ये सारा, प्लैनेट अपना रोल प्ले कर रहा है। 8वां घर, ये है 8वां घर। 8वां घर जो है वो शमशान है। यहां से दुख तकलीफ जो है वो भी आती है, जीवन की परेशानियां आती हैं। ये 2 घरों से हमें परेशानियां सबसे ज्यादा मिलती हैं। यहां पे जो जो प्लैनेट आ गया, फंस गया, वो हमें तकलीफ दे के जाएगा। हर एक घर में यहां पे 2 ग्रहों का अधिकार है, एक मार्स का है, दूसरा है शनि का। तो मार्स यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, शनि यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पे प्लस माइनस दोनों रोल प्ले करेंगे। खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 में पूर्णता अधिकार बृहस्पति का है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाउस है। खाना नंबर 10, खाना नंबर 10 है जी हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा वर्क प्लेस। हमने जीवन में क्या काम करना है, कितना पैसा कमाना है, किस तरीके से कमाना है, वो खाना नंबर 10 डिसाइड करेंगे। खाना नंबर 10 में जो है वो पूर्णता शनि का अधिकार है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट कौन है, मंगल है, और नेगेटिव प्लैनेट कौन है, जुपिटर है। बृहस्पति जो एक घर पहले पॉजिटिव थे, यहाँ अगर आते हैं तो वो नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। मंगल जो है वो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। 11वां घर, 11वां घर जो है यहाँ हमारे कर्मों का फैसला होता है, हमारे कर्मों का फैसला होता है। यहाँ पे बृहस्पति जज है, राहु केतु जो है वो एक वकील की भूमिका निभाते हैं कि हमारे ये बुरे कर्मों का हिसाब, ये अच्छे कर्मों का हिसाब। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति का अधिकार होते हुए भी बृहस्पति साइलेंट ही रहते हैं। फैसला कौन देगा, शनि देव। हमारे कर्मों का हिसाब किताब शनि देंगे। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा, बुरे कर्म है तो बुरा। खाना नंबर 12, खाना नंबर 12 में जो सबसे ज्यादा अधिकार है वो है राहु का। राहु के बाद यहाँ बृहस्पति का भी अधिकार है, बुध का है, केतु है, शुक्र है, राहु है, सभी यहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ये खाना नंबर 12 है। तो घर 12 ग्रह अलग अलग रोल प्ले करेंगे उसमें कि किस हिसाब से हमारे जीवन का लेखा जोखा जो है वो चलेगा। घबराना नहीं है इस बात से कि हमारा ये ग्रह वहां है, ये ग्रह, हर ग्रह का यहाँ पे कोई ग्रह, यहाँ पे कोई ग्रह, यहाँ पे कोई ग्रह, यहाँ पे कोई ग्रह, यहाँ पे कोई, हर एक का उपाय है। अगर इलाज नहीं है तो सिर्फ एक चीज का नहीं है, वो है मौत का। मौत का कोई इलाज नहीं। हर प्लैनेट का अपना अपना कलर है। जो हम कलर थेरेपी कई देशी इस्तेमाल करते हैं, आप उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। तो पूछते हैं जी, मेरा सूर्य खराब है, मेरा चंद्र खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मैं क्या करूं कि जिसे मुझे महंगे उपाय भी ना करने पड़े, महंगी पूजा पाठ भी ना करनी पड़े और मैं ठीक कैसे हो जाऊं।